अच्छा 5.2 क्या है, 5.2 इसको आप नंबर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, उसने बोला पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओगे और 2 लिख दोगे, और कुछ करोगे क्या? इसी का थर्ड वाला देखो, 0.094 अब देखिए पहले, अच्छा 0.094 तो 0.094 अब आगे पॉइंट के पहले का आगे लगा देते हैं, ये जीरो पता है क्या इंडिकेट करता है कि हाँ यहां पर कहीं ना कहीं पॉइंट है, आगे लगा हुआ जीरो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं क्या है, पॉइंट है, ठीक है। अच्छा इसका एक बार देख लो आप लोग, कहीं प्रॉब्लम जाए तो पूछ लेना, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में लिखा है 1 and 9800, 1 and 90, ये दूसरे तरीके से लिखा हुआ एक नंबर है वर्ड में, आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना, हाँ देखो पहले 1 लिखा, उसने बोला 1.100 में 2 डिजिट होती है डेसिमल के बाद, 100 में कितनी डिजिट होती है, 2, तो इधर लिखा 98, तो 98 बस ये आंसर हो गया, 100th में 2 डिजिट होती है तो 9800 बोल रहा है, तो 9800 100th जहां पर ये TH है ना, तो वो 100th का पार्ट माना जाता है, 100th का पार्ट मतलब वो डेसिमल के बाद आएगा, उस चीज को हम डेसिमल के बाद लिखेंगे। अच्छा एक और देखिए, 25 and 7000 अब बिल्कुल सिंपल सा है, देखना 25 मैंने लिख दिया, 25 पॉइंट लगा दिया, 1000 3 डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट का, लेकिन इधर तो केवल 7 लिखा है, क्या लिखा है 7, तो 007 बस हो गया, 1000 आप जानते हो 3 डिजिट का होता है, 1000 TH आया इसलिए पॉइंट के बाद आएगा, TH है इसलिए पॉइंट के बाद लिखेंगे, और 1000 जो रहते हैं वो 3 डिजिट का रहता है, तो इधर तो 7 एक ही डिजिट था, तो हमने क्या लिखा 007। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट इन डेसिमल, डेसिमल में लिखना है, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट है 7/10, अच्छा 7/10 नीचे कितने जीरो हैं, डिनोमिनेटर में केवल एक ही जीरो है, और जितने जीरो डिनोमिनेटर में होते हैं अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो डेसिमल, हाँ डेसिमल कहां चला जाता है बेटा, लेफ्ट साइड, कहां चला जाता है लेफ्ट साइड, अब इधर एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0.7, और पॉइंट के पहले जीरो तो हम एक लगाते ही हैं, ये तो हमारी डिनोट करने, पॉइंट को डिनोट करने का मतलब कि हाँ आगे क्या है पॉइंट है, अगर आगे जीरो लगा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉइंट है। अच्छा इसी का थर्ड वाला देखो, 61/100,
डिनोमिनेटर में टू जीरो है और टू जीरो हमें ए बताता है कि हमें टू डिजिट लेफ्ट साइड जाना है, वन टू, टू डिजिट लेफ्ट साइड जाएंगे तो आएगा 0.61 और फिर एक जीरो तो हमें लगाना ही पड़ता है, ये डिनोट करता है कि डेसिमल के कहीं ना कहीं डेसिमल लगा हुआ है। अच्छा इसी का मैं फिफ्थ वाला बताता हूं। फिफ्थ वाले में लिखा है 23/1000 अब देखिए इधर डिनोमिनेटर, हाँ करेक्ट करेक्ट, देखिए इधर डिनोमिनेटर में थ्री जीरो है, इसका मतलब होगा कि हमें थ्री डिजिट पहले ले जाना है, लेकिन इधर तो केवल टू ही डिजिट है तो हम इधर पहले एक जीरो अपने मन से लगा देंगे जिससे ये थ्री डिजिट बन जाएंगी। लगा दिया, अब तो थ्री डिजिट बन गई ना, अब तो ले जा सकता हूं मैं 0.023। अब पॉइंट के पहले एक जीरो तो हमें लगाना ही पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस नंबर में कहीं ना कहीं क्या लगा है, पॉइंट लगा है। ठीक है समझ गए ना। अच्छा आगे देखिए एक और बता रहा है इसी का सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले में लिखा है आपका 2 6y 10 आपको ये होल नंबर को नहीं देखना है, आपको किसको देखना है, फ्रैक्शन को देखना है, किसको देखना है, फ्रैक्शन। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 6/10 बोलो हां लिख सकते हैं। अच्छा मेरे में जगह नहीं बची है इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं, समझ रहे हैं ना, आपको तो नीचे ही लिखना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 0.6 क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में एज, क्या मैं इसको 2.6 लिख सकता हूं। अगर ऐड करना नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूं, ये 2 लिखा है और ए 0.6 है, इसके पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 6 का 6 और 2 का 2, आंसर क्या आया 2.6। समझ गए। अच्छा इसी का मैं एक और बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रैक्शन में ये लिखा है बेटा ए 2 6/10 है, मैंने इसको 2 प्लस 6/10 लिख दिया, लिख सकते हैं इस जो भी फ्रैक्शन नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उनको प्लस में लिख सकते हैं, 6/10 को मैं 0.6 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 0.6 क्योंकि नीचे एक जीरो है। अच्छा 2 में 0.6 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2.6, बस इतना ही करना था। अच्छा इसी जैसा एक और देखें, नाइन्थ वाला देखें, नाइन्थ वाले में लिखा है 312 46/1000 ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करता हूं मैं, थ्री हंड्रेड ट्वेल्व प्लस 46/1000 अच्छा नीचे थ्री जीरो है लेकिन ऊपर डिजिट टू ही है तो एक जीरो हम अपने मन से इधर लगा देंगे। अब तो थ्री डिजिट हो गई तो थ्री डिजिट पहले पॉइंट लगा सकते हो, 312 प्लस 0. ए जीरो हम बाद में लगाते हैं है ना, अगर पॉइंट आता है तभी हम लगाते हैं है ना, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। 046 अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 312.046 राइट इन वर्ड्स। अब आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर थ्री, पहला इसका क्वेश्चन लिखा है 0.8, ठीक है। इसको दो मेथड से लिखना है, कितने मेथड से लिखना है, टू मेथड से। इन हाउ मेनी मेथड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन? हाँ, बर्ड में लिखने को बोला है, लेकिन दो में क्या बेटा? हाँ, ठीक है ना। तो देखो, पहला हम इसको बोलेंगे 0.8, एक तो ए मेथड हो गया, एक हो जाएगा 8 8। बेटा ए 8 एक ही डिजिट है ना पॉइंट के बाद? क्यों बेटा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसको बोलेंगे 8/10। क्या बोलेंगे? 8/10। क्या बोलेंगे? 8/10। समझ गए ना? 0.8 और नीचे लिखना 8/10। पॉइंट के बाद केवल, पॉइंट के बाद जब भी कोई भी नंबर होता है तो या टेंथ होता है या हंड्रेड या थाउजेंड। अगर सिंगल डिजिट है तो टेंथ है, अगर डबल डिजिट है तो हंड्रेड है, अगर थ्री डिजिट है तो थाउजेंड है। क्या है? थाउजेंड है। थर्ड वाले में लिखा है 5.365। देखो, इसको जो पढ़ते हो वही लिखते हैं। मैं क्या पढ़ रहा हूं इसको? 5.365। समझ गए ना? ये फर्स्ट मेथड हो गई। अब इसी की सेकंड मेथड लिखनी है। सेकेंड मेथड कैसे लिखेंगे? ये क्या लिखा बेटा? 5। देखो, डेसिमल के पहले वाले नंबर तो वैसे का वैसे लिखते, 5 लिखा है, एंड क्या लगाएंगे? हाँ, लेकिन पहले क्या लिखेंगे? 300 300। देखो बेटा, इसमें कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, इसलिए 1000 है। कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, इसलिए 1000 है। 365 65 1000। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। देखो बेटा, फर्स्ट मेथड नहीं है कि सेकंड मेथड? देखो, सेकंड मेथड में पॉइंट के पहले वाला तो वैसी का वैसी लिखेंगे, फिर पॉइंट के बाद वाले में कितनी डिजिट है? 3। पॉइंट के वाले में कितनी डिजिट है? 3। और 3 के साथ 1000 आता है, 2 डिजिट के साथ 100 आता है, और 1 डिजिट के साथ 10th आता है। इधर 3 डिजिट है, इसलिए 1000 लगाएंगे, और बाकी चीज भी लिखेंगे। क्या लिखा है? 365, तो लिखेंगे 365000। पहले 5 लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर 365000, क्योंकि ये कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 3 डिजिट है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, 3 डिजिट है ना, इधर कितनी डिजिट है? ये 1000 की डिजिट कहलाती है, 1000 का पेयर कहलाता है।
अच्छा नेक्स्ट इसी, अच्छा अब ए लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, 1000 नाइन पॉइंट सिक्स जीरो। मैं वेट कर रहा था कि कोई ने बताए, और कोई बता ही नहीं पाया, क्या बात। 1000, ये 1009 है, पॉइंट लगाएंगे और फिर 607। इसी को मैं अगर सेकेंड मेथड से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा देखना। सेकेंड मेथड से भी मैं लिखूंगा 1009, 1009 हाँ, 607000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि ये थ्री डिजिट का पेयर है और थ्री डिजिट के पेयर के साथ क्या आता है बेटा, थाउजेंड क्या आता है, हाँ 1009 एंड 607000। समझ गए ना, इधर थ्री डिजिट का पेयर है और थ्री डिजिट के पेयर के साथ क्या आता है, थाउजेंड आता है। तो 1009 एंड 607000। अच्छा अब मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है ड्रा द वैल्यू वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट दिस नंबर। देखिए बेटा, प्लेस वैल्यू चार्ट में मैं बनाता हूं 100 वंस, सॉरी टेंस आएगा, फिर वंस आता है, फिर टेंथ आता है, फिर हंड्रेड आता है, फिर थाउजेंड आता है। क्या आता है, थाउजेंड आता है। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं। फर्स्ट वाला 17.4 है, ध्यान से देखना बेटा। ये जो वन है वो किस प्लेस पर है, टेंथ प्लेस पर, और सेवन है वो किस प्लेस पर है, वंस, और जो फोर है वो किस प्लेस पर है, टेंथ किस पर है, क्योंकि वो पॉइंट के बाद है, क्योंकि वो पॉइंट के बाद है। ठीक है ना, अच्छा इसी का मैं थर्ड वाला करवाता हूं। जो मैं छोड़ रहा हूं बीच में वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, मतलब वो आपको घर पे करना है ना। 0.7 का मतलब ही होता है 1/10। क्या होता है, 1/10, इसका मतलब होता है 1/100, इसका मतलब होता है 1/1000। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो समझ गए ना कि टेंथ माने 1/10, और एक किस प्लेस पर आ रहा है, टेंथ प्लेस पर आ रहा है, हमें तो वैल्यू रख देना है, तो वो अपने आप 1/10 ले लेगा, है ना। या आपको पूरा करना है तो ऐसा कर सकते हो, इसको 4/10 लिख सकते हो, फिर इसको भी करना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, हमने ऊपर लिख दिया ना टेंस, हमने ऊपर टेंस लिख दिया, मतलब ये 1/10 है। वन क्या है, टेंस है, ओनली सिंगल वन नहीं है, दिस इज 1/10, दिस इज 4/10, 4/10। इसका रियल वैल्यू कितनी होगी, 4/10, कितनी होगी, 4/10। तो हमने उसकी डिजिट रख दी उस जगह, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो उसके कॉलम में आती है, उसके कॉलम में जो भी आएगी वही हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। हाँ अच्छा, अब ये सेवन किस पर आ रहा है, टेंथ पे,
टू किस पर आएगा और 9000, समझ गए। अच्छा इसी का फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले में लिखा 240.09। अच्छा टू कहां पर आएगा, दिस टू 100, फोर वन, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए मैं हाँ ए आएगा टू इधर और फोर आएगा इधर, और जीरो तो लिखना की जरूरत नहीं है, लिख लो फिर भी आपको लिखना हो तो, जीरो मतलब जीरो होता है ना, और इधर टेंथ पे जीरो, हाँ और न ठीक है, इसको भी लिखना जरूरी नहीं, मतलब जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है वैसे, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिफ्थ हो गया, एक और सेवेंथ वाला और देख लो, 26.4001। अरे एक मतलब 10,000 तक बनाना था फिर मुझे, चलो कोई नहीं, देखिए आप एक टू हो इधर टू हो जाएगा टेंथ में, बंस पे कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, टेंथ पे कितना आएगा, फोर आएगा, हंड्रेड पे क्या आएगा, जीरो, लेकिन हाँ तो ये 10,000 चाहिए, क्या चाहिए हमें, 1000 और एक 10,000, एक 10,000 ठीक है, तो उधर क्या आ जाएगा, वन, चार डिजिट है ना बेटा, इधर क्या है, चार डिजिट है, इसलिए 10,000 पे क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है।